दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप के इन फ्यूचर्स को, जिनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, नहीं इस्तेमाल कर रहे या उसको के बारे में आप लोगों को नहीं पता, तो यकीन माने आप व्हाट्सएप के अंदर बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जी हाँ, क्या आप अपने टेक्स्ट को कभी बोल किया है? अगर बोल करना नहीं जानते, या इटैलिक करना नहीं जानते, या फिर उसको स्ट्राइक थ्रू करना नहीं जानते, तो यकीन करें कि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप टेक्स्ट लिखें, ताकि इन फ्यूचर्स को आप अपने टेक्स्ट के अंदर इंजॉय कर सकें। तो सबसे पहला जो मैंने बताया कि आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट या बोल्ड कैसे कर सकते हैं, मैं देखें कोई भी ये वाला टेक्स्ट उठाता हूँ, इस टेक्स्ट को वहाँ पर लेके जाता हूँ। जैसे मैं जो बोल्ड है इसको मैं बोल्ड करता हूँ। जिस टेक्स्ट को भी हाईलाइट करना है, उससे पहले और उसके आखिर में आपने स्टेरिक सिंबल को यूज़ कर लिया। ये देखें, मैंने यहाँ पे स्टैरिक यूज़ कर दिया क्योंकि मैं इसको करना चाहता था, और इसके एंड में कर दिया। तो आप चेक कर लें कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये बोल्ड हो गया। इसी तरह अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक के तौर पे, आप क्या कर रहे हैं कि वो वाला टेक्स्ट लिखें, और लिखने के बाद ये बताता हूँ कि क्या करना है। कैटैली करना है तो टैली के शुरू में और एंड में आपने अंडरस्कोर का साइन यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे मैंने कर लिया और यहाँ पे कर लिया, चेक करें ये साथ ही इटैलिक हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड फ्यूचर है, वो मैंने जैसे कहा कि स्ट्राइक थ्रू आपने कैसे करना है। चले मैं यहाँ से पहले टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। आपने जिसको भी स्ट्राइक थ्रू करना है, उससे पहले उसी तरह और उसके बाद आपने ये टिल्ड साइन इस्तेमाल कर ली। जो टिल्ड साइन किस तरह की है जी, ये वाली, ठीक है, ये वाली यहाँ पे इस्तेमाल कर लें और यहाँ पे भी इस्तेमाल कर लें। तो आपको ये नज़र आ गया होगा कि ये स्ट्राइक थ्रू हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching. Allah Hafiz.